पुलिस थाना बागली पर सोमवार के दिन दो पहिया वाहनों की नीलामी की गई, जहां पर नीलामी में हिस्सेदारी लेने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। क्षेत्र सहित अन्य जिले के लोग भी यहां पर नीलामी में हिस्सेदारी करने आए थे। सुबह से ही थाने पर नीलाम होने वाले दो पहिया वाहनों की बोली लगाने के लिए लोग उत्साहित रहे और बढ़ चढ़कर बोली में भाग लिया। वाहन नीलामी के दौरान उम्मीदों से कई गुना अधिक दामों में दो पहिया वाहन नीलाम हुए। पुलिस विभाग द्वारा विभिन्न कार्यवाही के दौरान जब्त किए गए दो पहिया वाहनों को राजसात करने के बाद लंबे समय के बाद थाने पर उक्त दो पहिया वाहनों की नीलामी की गई। इस दौरान नीलामी में 55 वाहन नीलाम हुए। वाहन नीलामी के दौरान सबसे अधिक कीमत में एक बुलेट 1,21,000 रुपए में नीलाम हुआ। साथ ही अन्य दो पहिया वाहन भी उम्मीदों से कई गुना अधिक दामों में यहां पर नीलाम हुए। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। इनसे बहुत सारे लावारिस हालत में थाने में पड़े हुए थे, जिसको 25 पुलिस एक्ट में वाहन जब्त किए गए थे और बरसात में ख़राब हो रहा था, धूप में ख़राब होता, इसको नीलामी की प्रक्रिया के तहत इसका वैल्यूएशन कराकर एसडीएम साहब के माध्यम से इन गाड़ियों को नीलाम कराया गया। आज एसडीएम साहब के माध्यम से करीब 55 गाड़ियों को नीलाम कराया गया। करीब 9-1 लाख के लगभग रुपए की राशि प्राप्त हुई है। इसमें बुलेट थी जो शानदार थी, 1,21,000 में गई है और दूसरी बुलेट 65,000 में गई है। विभिन्न गाड़ियाँ भी विभिन्न वैल्यू प्राइस से बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया और काफ़ी अच्छी शासन को इसमें लाभ प्राप्त हुआ है। हाँ, इसकी प्रक्रिया चल रही है, कुछ कोर्ट के माध्यम से पड़ी हुई है, कुछ शराब के प्रकरणों में पड़ी हुई, कुछ गोकसी के प्रकरणों जिनको राजसात कार्रवाई कर दी गई है, उसका वैल्यूएशन कराकर आबकारी कार्यालय था उनकी नीलामी भी कराई जाएगी और दूसरे कोर्ट से न्यायालय आदेश प्राप्त कर उनका भी भविष्य में नीलाम किया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।